हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। लेकिन चूंकि आपको नीट क्लियर करना है तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि प्लीज फोकस करिए एनसीईआरटी पे। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने पे लग रहा है कि वो बहुत ही आसान है और इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, तो चलिए आज हम ऐसे ही क्वेश्चनिंग करते हुए समझते हैं कि क्या भाई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, और बनेंगे तो उनके आंसर करते करते कैसे हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि हमें नीट क्लियर करना है। अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम हमारा इंटरेस्ट जो है उसको यहां पर लेके आए, तो अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा छोड़ देते हैं साइड में। और आज इस पूरे वीडियो के एंड में हमने पूरा टिश्यू कर लिया होगा अच्छे से, ताकि इससे आने वाले सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि यही है। पहले तो माइंड में ना यही क्लियर रखना है कि इतना ही आता है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम यहां पे बात टिश्यू की कर रहे हैं, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करती है, जिसकी वजह से टिश्यूज फॉर्म होते हैं। तो टिश्यूज है क्या? टिश्यूज सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट डेफिनेशन दिया गया है कि ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये शब्द आ रहा है, इसको आप ध्यान रखिए। रीजन जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, देखिए आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएगा, आप एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो सेल्स है उनके बीच का जो स्पेस होता है वो जिन सब्सटेंसेस से फिल्ड रहता है वो भी उसी टिश्यू का पार्ट होता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल ब्लड में अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर खूब सारी कई तरह की सेल्स होती हैं, और उस सेल्स के बीच का जो स्पेस है जो बहुत ही ज्यादा होता है वो फिल्ड रहता है किससे, मैट्रिक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, प्लाज्मा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राइट। तो ये वो पोर्शन होता है जहां पर कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्ड रहते हैं। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ हम ये बोलते हैं प्रोटीन फाइबर्स हो सकते हैं, समटाइम हम ये बोलते हैं कि वहां पे हम ये बोलते हैं वाटर जो है, वाटर कंटेंट होता है, वाटर के साथ में और भी हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, गैसेस वगैरह भी होती है। तो हम ये बोल रहे हैं उन सबको कंबाइंडली हम एक टिश्यू बोल रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल के लिए था ब्लड वाली बात जो हमने बोली है, ठीक है। तो अभी इस डेफिनेशन पे फोकस करिए। तो हम उस स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। चलिए नाउ अगर आपसे कोई पूछ लेता है How do cells in the body work together? कैसे एक साथ काम करती है? तो इसका आंसर तो हमें हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही मिल गया था कि सेल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है उसकी वजह से टिश्यूज फॉर्म करती है, और ये टिश्यूज जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देन ये टिश्यूज आपस में इंटरेक्शन करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नाउ कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच फाइलम टिश्यूज ओरिजिनेटेड फर्स्ट। सबसे पहली बार टिश्यू आप लोगों ने कहां देखे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर क्या होगा? हाँ, आप लोगों ने एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा है कि पोरीफेरा जो हमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि सिलेंट्रेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है टिश्यू लेवल का बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू सबसे पहले डेवलप कहां हुए होंगे, सिलेंट्रेट्स के अंदर जो है वो डेवलप हुए होंगे, राइट। हुए होंगे क्या, हुए हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जिनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको मालूम है वहां पे नर्व सेल्स को भी सबसे पहली बार देखा गया, यानी कि जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स है वो भी वहां देखे गए। उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो भी हम ये बोलते हैं कि वहां पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो टिश्यू सबसे पहले ओरिजिनेट हुए कहां, सिलेंट्रेट्स के अंदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो यहां बनता है और आपको याद रहना चाहिए। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो ये जितने भी टिश्यूज हैं, हम एनिमल टिश्यूज की बात करें तो ये एनिमल टिश्यूज को हम डिवाइड कर सकते हैं फोर, हमें बोलते हैं टाइप्स के अंदर। अब वो फोर टाइप्स क्या क्या है, सबसे पहला आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ये फोर टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कवरिंग बनाते हैं। देखिए कोई भी चीज, अगर हम कोई, आप फर्ज करिए कोई, अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है,
अब डायग्राम बनाएंगे, मैंने बनाया, एक आदमी बना रही हूं मैं, तो मैंने उसका चेहरा बनाया, गर्दन बनाई, पेट बनाया, हाथ बनाए, तो आप देखो मैंने एक लाइनिंग बनाई है, यानी कोई भी स्पेसिफिक हम ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चर देने के लिए किसी भी ऑर्गन, किसी भी बॉडी पार्ट को हमने क्या बनाई, एक लाइनिंग बनाई, यानी कि हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गन्स है या फिर हमारी, हमारा खुद का जो, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, चाहे वो हमारा हैंड हो, चाहे हमारा लेग हो, चाहे हमारी एब्डोमेन हो, हमारी नोज हो, इन सबको एक स्ट्रक्चर देने के लिए हमें चाहिए कोई एक लाइनिंग, और वो लाइनिंग किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यूज की। इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स जो है उनको भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देने के लिए, कि आप लोगों ने, अगर आपने किडनी बनानी है तो आप किडनी इस तरह से अगर हम बनाएंगे, या फिर स्टमक बनाएंगे, चलिए स्टमक बनाते हैं हम, तो हमने स्टमक इस तरह से बनाया, तो ये लाइनिंग इसकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रही हो। अगर आप किडनीज बनाएंगे तो किडनीज कुछ इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं, तो वो किडनीज को भी ये स्ट्रक्चर जो है ये देने के लिए भी क्या है, एक लाइनिंग चाहिए, राइट। ये स्ट्रक्चर तो तभी मिल पाएगी, तभी तो आप बोलते हैं ना बीन शेप किडनीज होती है, तो ये जो लाइनिंग है, बीन शेप जो स्ट्रक्चर दे रहा है, वो कौन देते हैं, वो टिश्यूज देते हैं, कौन से, एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये कवरिंग देते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं नेचर के, लाइनिंग सबसे बाहर है, ये कपड़ा जो है वो हमें, जो हमने टी शर्ट पहना है, ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सनलाइट जो आ रही है बहुत तेज से, तो उसको हमें बचा रहा है कि नहीं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है हमारे। तो उसी तरीके से ये जब लाइनिंग बनाएगी तो ये प्रोटेक्शन भी तो देगी उसके साथ में, तो ये कवरिंग का काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। नाउ द सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्शन वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि ये ऐसे टिश्यूज है जो दो, हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स को जो है, या फिर हम ये बोल सकते हैं दो सिस्टम्स को आपस में क्या करते होंगे, कनेक्ट करते होंगे। तो कनेक्शन के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होगा, बिल्कुल ये टिश्यूज कनेक्ट करेंगे कई टिश्यूज को आपस में, ऑर्गन्स को आपस में, या सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम भी करेंगे। सपोर्ट कैसे देंगे, जैसे कि बोन्स हैं, बोन्स हमारे अंदर स्केलेटन बना रही है, तो बोन्स हमें क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, हमें सपोर्ट देती है ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहे, हम लोकोमोशन कर सके, मूवमेंट जो है वो कर सके, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जैसे कि ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, जो क्या करता है, हमारी मिनरल न्यूट्रिशंस को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाता है। अब वो न्यूट्रिटिव कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वो हॉर्मोन्स हो सकते हैं, वो हम ये बोल सकते हैं कुछ एंजाइम्स जो हैं वो भी उनके अंदर जो होते हैं फ्लो होते हैं, कुछ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो होती हैं वो भी फ्लो होती हैं। तो हमारे अंदर गैसेज का, या फिर हॉर्मोन्स का, विटामिन का, हम ये बोलते हैं जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसका, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो ब्लड कर रहा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर हो गया दूसरा टिश्यू आपके माइंड में। चलिए नाउ मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जो है मसल्स शब्द आते ही समझ जाते हैं, ये क्या है, मूवमेंट करवा रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, राइट। मेरी टंग जो है वो मूव कर रही है जिसकी वजह से मेरा साउंड निकल रहा है, तो वो भी क्या है, मसल्स ही तो है जिसकी वजह से मेरी टंग का मूवमेंट हो रहा है, मेरी लिप्स का मूवमेंट हो रहा है। तो मसल्स जो टिश्यूज है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए होते हैं। न्यूरल, न्यूरल जो है ये एक हम ये बोल सकते हैं इम्पल्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, जो हम इम्पल्स को क्रिएट करवाते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं उसको कंडक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो कोऑर्डिनेट होके जो है वो परफॉर्म करती है, कोई भी काम को परफॉर्म करती है, या हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल जो है किया जा सकता है, किसकी वजह से, न्यूरल टिश्यूज की वजह से। तो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरल टिश्यूज की वजह से होता है। तो ये न्यूरल टिश्यूज करते क्या है, ये जो है ये जनरेट करते हैं इंपल्स को, उसको कंडक्ट भी करते हैं पूरी बॉडी में, तभी तो हम अभी हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट होके परफॉर्म करती है, कई सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो न्यूरल टिश्यूज के थ्रू होता है। क्लियर। चलिए अभी देखिए क्वेश्चंस, अगर आपसे पूछा जाए इज ऑल फोर टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, क्या सभी चारों तरह के टिश्यूज सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, नो, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी तरह के टिश्यू सब में मिले। अब पोरीफेरा की बात कर लो, एनिमल्स ही हैं वो भी, बट उनके अंदर टिश्यूज फॉर्म ही नहीं हुए हैं। सिलेंट्रेट्स हैं, वहां पे न्यूरॉन्स के बारे में हम बात करते हैं, राइट, हम एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, तो बट वहां पे क्या हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या किसी भी तरह के ब्लड के बारे में, बोन के बारे में, हम किसी भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात नहीं करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग बात कहां करते हैं, जब हम एनिलिडा की बात करते हैं, वहां पे हम लोग ब्लड के बारे में बात करना शुरू करते हैं, राइट। तो
कनेक्टिव टिश्यू वहां जाके आते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि सभी तरह के जो टिश्यूज हैं वो सभी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें वो चारों के चारों जरूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इन चारों चार तरह के हमारे एक क्या बोलते हैं टिश्यूज के बारे में, हमने एक परफॉर्मा एक माइंड में हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब वन बाय वन हर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे भी और उनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे एनसीईआरटी में से उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ जनरल बातें हैं, वो ध्यान रखिए कि किसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स उस उन टिश्यू में होने चाहिए जिनको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो दूसरे टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई हम उनको एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये टिश्यूज हैं, मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं और मैं बोल रही हूँ कि ये प्रेजेंट है किसके ऊपर, इसके नीचे होंगे कुछ नर्व सेल्स, अगर मैं बना दूं कि हाँ ये नर्व सेल्स हैं तो न्यूरल टिश्यूज हैं, कुछ मसल्स अगर मैं बना देती हूँ तो हाँ मैं बोलती हूँ ये मस्कुलर टिश्यूज हैं, तो ये जो है अलग कई और जो टिश्यूज है जैसे मस्कुलर टिश्यूज है या कनेक्टिव टिश्यूज है उनके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये दूसरे टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि ये जो टिश्यूज होते हैं इनकी हमेशा एक सर्फेस फ्री रहती है, क्योंकि लाइनिंग बना रहे हैं ना, प्रोटेक्शन का काम दे रहे, तो एक सर्फेस हमेशा क्या रहती है इनकी, फ्री रहती है। तो ये जो सर्फेस है ये क्या हो गई, फ्री सर्फेस हो गई इनकी, तो एक सर्फेस हमेशा क्या रहेगी, फ्री रहेगी। इसके साथ में हम ये बोल रहे हैं कि चूंकि ये लाइनिंग बना रहे हैं, इनका जो काम है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये जो है प्रोटेक्शन का या फिर कवरिंग का, लाइनिंग बनाने का काम कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं इनकी सेल्स की, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इनके बीच में जो स्पेस होता है यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, तो स्पेस कम होगा यानी कि उस दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट जो मैट्रिक्स रीजन है वो मैट्रिक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है इनके अंदर, ठीक है। और आप अगर देखोगे, मैंने बोला टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट है, बट इनको ब्लड वेसल्स या फिर जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज जो होती है, वो इनको इस तरीके से पेनिट्रेट करते हुए प्रेजेंट नहीं होती है ना, इसके अंदर धसी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो इनको छेद करके इनके अंदर नहीं जा सकती, तो ये याद रखिए इन टिश्यूज को हम वेस्कुलर, हम ये बोलेंगे ये नॉन वेस्कुलर हुई, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो अंदर नहीं होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उसका एक करेक्टर ये भी है कि ये जो होती है एपिथेलियल सेल्स जो होती है, अगर मैं ये बना देती हूँ कि चलिए मैंने क्यूबॉइडल सेल्स बना दिए, ये सेल्स जो है ये हो गया इसका सेलुलर लेयर, इसके नीचे एक नॉन सेलुलर लेयर होती है प्रोटीन, ये जो लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन की और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी लेयर होती है, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये इनका मस्ट करेक्टर है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके अंदर जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। एक्सेप्शनली ट्रांजिशनल जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है, वो जो टिश्यूज होते हैं उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती होती है, ठीक है। तो यूट्रस का जो रीजन है या फिर जो हम ये बोलते किडनी जो होती है उसकी जो यूरेथ्रा वगैरह जो है उस रीजन के अंदर वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो प्लीज आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं आपको बता रही हूं इस जगह इस चैप्टर के अंदर वहां पे मेंशन नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। साइंस है तो एक्सेप्शन जरूर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस एपिथेलियल टिश्यू से जो बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एपिथेलियल सेल्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम, कहां से नरिशमेंट लेती है? तो देखिए ये हमेशा क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टिश्यूज के ऊपर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज तो आती नहीं है कि नरिशमेंट आ जाए, तो ये अपने नीचे की जो होती है ना सेल्स, जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यानी इसके नीचे ही क्या होती है ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए कि ये एपिथेलियल टिश्यूज है ना, तो ये मैंने बना दिया एपिथेलियल टिश्यूज, तो ये इसके अंदर हमने बना देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पे प्रेजेंट होंगी क्या आपकी ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, जिससे डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करती है नरिशमेंट लेने का काम करती है। तो अंडरलाइंग टिश्यूज जो होते हैं उनसे ये नरिशमेंट लेती है। विच टिश्यू डेवलप्स फर्स्ट इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में सबसे पहला टिश्यू कौन सा डेवलप हुआ, तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। याद रखिए इस बात को, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है, मेसोडर्म से भी, एक्टोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। ये याद रखिए, मैक्सिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस इज फाउंड इन, देखिए मिनिमम तो किसमें है एपिथेलियल में, मैक्सिमम किसके अंदर होता है ब्लड के अंदर, जो कि क्या है कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन में जो भी मेंशन हो उसको आंसर करिए, बट ये आपको याद करवाने के लिए कि इसमें मिनिमम है, मैक्सिमम कनेक्टिव टिश्यूज में होता है, ब्लड में होता है।
Is blood vessels, lymph vessels and capillaries are able to pierce the epithelial tissues? No. ये non-vascular tissues होते हैं. In poriferans, pinacoderm and coenoderm is not referred as epithelial tissue. Why? देखिए, epithelial tissue के अंदर basement membrane होनी चाहिए. चूंकि वहां पे कोई भी basement membrane नहीं है, इसीलिए हमने उसको epithelial tissue में count नहीं किया है. तो उसकी presence must है. ठीक है? तो ये layering जरूर है उसके अंदर, but वो epithelial tissue नहीं है. Basement membrane is secreted by, किससे secrete होती है भाई basement membrane? तो हम ये बोलते हैं basement membrane जो होती है वो secreted होते हैं. खुद epithelial tissue जो होती है वो भी उनको सिक्रेट करती है, और कनेक्टिव टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं वो भी उसको सिक्रेट करते हैं. बनी किसकी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की. ठीक है, ये आपके मेंशन है चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. टिश्यू विच हैज पावर ऑफ डिविजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ. किसके अंदर रीजनरेशन पावर जो है पूरे लाइफ टाइम होता है? तो वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर पूरी हमेशा पूरी लाइफ चलता है. क्यों? क्योंकि देखिए आपकी स्किन है, स्किन कहीं पे भी इंजरी हो जाती है, आपको घाव हो जाता है, लग जाता है, तो वो वापस से क्या होती है, वो डिवीजन कर देती है और वापस से रीजनरेट वो अपना क्या करती है, सेल डिवीजन करके उस घाव को भर देती है, उस इंजरी जो होती है उसको भर देती है. तो ये किसका रीजन हो गया कि वो, और वो कभी भी होता है, पूरी लाइफ में हमारी ये चीज चल सकती है. ठीक है, तो थ्रू आउट द लाइफ सेल डिवीजन ये करेंगी और रीजनरेशन कैपेसिटी रखेंगी. ठीक है, बट मैक्सिमम रीजनरेशन कौन शो करता है अगर ये पूछा जाए, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए? ब्लड. ब्लड जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो रीजनरेशन जो है कैपेसिटी रखता है. ठीक है, तो वो टिश्यू. आप लोग ये क्वेश्चंस जो है ये लिख लीजिए, इनको ध्यान रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए, एपिथेलियल टिश्यूज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल एंड द कंपाउंड. सिंपल किसको बोल रहे हैं? सिंपल वो होते हैं जो सिंगल, एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि सिंपल है ये, तो ये मैंने बना दिया, ये आपकी सेलुलर पार्ट, ये इसका नॉन सेलुलर पार्ट. ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं सिंपल. कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कई सारी, हम बोल सकते हैं कि इस तरह से लेयर्स के अंदर ये जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो कई सारी सेल्स की जो है लेयर्स मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड. मैनी लेयर्स होनी चाहिए और यहां पर क्या है? सिंगल लेयर होती है. तो यही एनसीईआरटी में मेंशन है, इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिए. ये सिंगल लेयर होती है और टू एंड मोर लेयर्स, मैं बोल रही हूं मोर लेयर्स. ठीक है, अब देखिए सिंपल जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? बॉडी कैविटी में, डक्ट्स में, ट्यूबुल्स के अंदर, यहां सिंपल होती है. जबकि कंपाउंड जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है. हमारी स्किन जो बनती है वो किससे बनी है? कंपाउंड से बनी है. स्ट्रेटिफाइड आप बोल सकते हो, यहाँ पे शब्द एनसीईआरटी ने तो नहीं यूज किया है, बट हम बता रहे हैं कि वो स्ट्रेटिफाइड हम उसको बोल सकते हैं. क्वेश्चन, सिंपल एपिथेलियम इज नॉट दैट इफेक्टिव इन, किस कौन सा काम नहीं कर सकती? न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, सिक्रीशन का, एंड प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइन टिश्यूज. तो देखिए स्किन फॉर्म कौन कर रहा है? कंपाउंड एपिथेलियम. यानी कि सिंपल तो कहां प्रेजेंट है? देखिए सिंपल जो है बॉडी कैविटी में है, डक्ट्स में, ट्यूबुल्स में. यानी कि ये न्यूट्रिशन का काम कर सकती है, एक्सक्रीशन का, सिक्रीशन का कर सकती है, बट प्रोटेक्शन का नहीं करती है, क्योंकि वो कंपाउंड करती है. तो ऑप्शन हमारा फोर जो है वो राइट होगा. ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं. ठीक है ना, एनसीईआरटी में मेंशन है चीजें, वही पूछी जाएगी. सिंपल एपिथेलियम तीन तरीके का होगा, कौन कौन सा है? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर. स्क्वैमस जिसमें चपटी क्या होती है, सेल्स होती है, ये इस तरह की है ना. स्क्वैमस जो है चपटी, इस तरह से टाइल जैसी जो होती है, वो फ्लैटेंड जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, उसको स्क्वैमस बोलेंगे. क्यूबॉइडल जो होती है वो क्यूब शेप के अंदर होती है. ठीक है, क्यूबॉइडल हमने उसको बोला है. और कॉलुमनर में हम बोलते हैं कि वो इस तरह से क्या होती है, इलॉन्गेटेड होती है, और इनके बेस के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे कॉलुमनर. तो तीन तरह की अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हो सकते हैं. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. स्क्वैमस के बारे में अगर बात करें तो सिंगल है, सिंपल स्क्वैमस बोल रहे हैं इसलिए सिंगल लेयर होती है. ठीक है, फ्लैटेड है, इररेगुलर इनकी बाउंड्रीज होती है, बिल्कुल ये वेवी हो सकते हैं, इसीलिए क्या है हम इनको क्या बोलते हैं, इनको टेसिलेटेड बोलते हैं. चपटी होती है, इसीलिए हम उसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये दो और शब्द है जो यूज किए जाते हैं फॉर द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल. ठीक है, कहां प्रेजेंट है वो ध्यान रखिए, ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, वहीं पे ये क्या होती है, इस तरह से वेवी होती है, तभी टेसिलेटेड बोलते हैं. एयर सैक्स, लंग्स की एयर सैक्स, यानी कि जो एल्वियोली पोर्शन है जहां पे डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां पे भी क्या है, सिंपल स्क्वैमस होती है. ठीक है, फिर हम ये बोल रहे हैं कि लंग्स के अंदर ये प्रेजेंट है और वहां पे ये क्या कर रही है, डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट कर रही है. देखिए एनसीईआरटी ने इतना मेंशन किया और इसी पे क्वेश्चन भी बन जाता है, क्वेश्चन भी यही पूछ लेते हैं ना कहां पे प्रेजेंट है. तो देखिए, विच ऑफ द एपिथेलियल फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोली ब्लड वेसल्स ए पेरिटोनियम ऑफ बॉडी कैविटी. तो कौन है भाई वो? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. पेवमेंट एपिथेलियम इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम.
टेसिलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, कहां होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, वेवी होती है ना, इस वजह से उसको टेसिलेटेड बोला है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी। चलिए नेक्स्ट आती है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल वही क्यूब शेप में होती है। क्यूबॉइडल जो होती है वो कई तरह के फंक्शन कर सकती है, जैसे कि सिक्रीशन का फंक्शन करेगी, सिक्रीशन करेगी तो हम उसको ग्लैंडुलर बोल देंगे। अगर उसके ऊपर क्यूबॉइडल के ऊपर इस तरीके से हम ये बोलते हैं कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे तो हम उसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, हम उसको एपिथेलियल बोल देंगे। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होगा, जब माइक्रोविलाई होती है आपको पता है माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करना, यानी एब्जॉर्प्टिव नेचर की हो गई, तो इनका काम क्या होगा, सिक्रीशन का हो सकता है, एब्जॉर्प्शन का हो सकता है। समटाइम क्यूबॉइडल जर्मिनल भी होती है। ठीक है, तो जहां पे हमारे, हम ये बोल देते हैं कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है वहां पे ये जर्मिनल एपिथेलियल जो होती है ना लेयर, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होती है, जो क्या बनाती है, जब हम बोलते हैं गैमेट्स फॉर्म करने का काम करती है। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियल भी होती है, कौन, क्यूबॉइडल को ही बोल रहे हैं जब वो, जब हम बोलते हैं गैमेट्स बनाएंगी। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड यानी कि पीसीटी, हम लोग पढ़ते हैं ना जब आप किडनी का स्ट्रक्चर करेंगे तो वहां पे, जब नेफ्रॉन करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, ये पीसीटी एंड डीसीटी हम बनाते हैं हेनले लूप के ऊपर, है ना, ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये है पीसीटी और ये है आपका डीसीटी ना, डीसीटी। तो पीसीटी जो है, ठीक है, यहां पर जो है एपिथेलियल जो होती है यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियल, उसमें माइक्रोविलाई जो होती है वो प्रेजेंट, क्या करती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, यानी वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो वहां पे कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबॉइडल के बारे में। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस तरीके से, यही कि पीसीटी जो है वहां पर किससे लाइंड है, तो ब्रश बॉर्डर लिखा हो तब भी आंसर करिए, और क्यूबॉइडल लिखा हो, सिंपल क्यूबॉइडल, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, अगर ऐसे करके कुछ ऑप्शन बनाया हो तो वो भी आपका क्या होगा, राइट होगा। रिप्रोडक्टिव जर्मिनल एपिथेलियम किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल की बनी होती है, ये मैंने आपको बोल दिया था, यही उसका क्या हो सकता है, क्या होगा, आंसर होगा। चलिए कॉलुमनर, कॉलुमनर सिंगल लेयर होती है, वही सिलेंड्रिकल होती है, बेस के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, बेस के अंदर हम ये बोलते हैं कि इनमें आपका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, ये भी सेम वही चीज है, ग्लैंडुलर भी हो सकती है, इनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सीलिया होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड, अगर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई, तो हम इसको बोल देंगे ब्रश बॉर्डर, और अगर ये सिक्रीशन का काम करेंगे तब हम इसको क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर, यानी तीनों ही तरीके से ये हो सकती है। एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है, इतना ही मेंशन है, तो उसको आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो माइक्रोविलाई इनकी फ्री सर्फेस में प्रेजेंट हो सकती है। अब ये प्रेजेंट कहां होती है, देखिए ये लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट है, यानी कि देखो माइक्रोविलाई वाली जो ब्रश बॉर्डर वाली, ब्रश बॉर्डर यानी क्यूबॉइडल अगर है तो वो पीसीटी में है, ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर है तो वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर है, ये चीज ध्यान रखना, कॉलुमनर क्यूबॉइडल का डिफरेंस है। हेल्प इन द सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, वर्क वही सेम है सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन का, जैसे क्यूबॉइडल काम कर रहा है वैसे कॉलुमनर भी काम कर रहा है, बट प्रेजेंस जो है वो डिफरेंट है। सिलेटेड एपिथेलियम बोल देंगे अगर इसके ऊपर क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, एनसीईआरटी ने इतना ही मेंशन किया है तो इतना ही ध्यान रखिए। पूछे सिलेटेड कौन है, तो क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर दोनों हो सकती है। फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन क्या करेंगे जब ये सिलेटेड होंगे, सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं ना, मूवमेंट, तो कोई भी पार्टिकल उनके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, म्यूकस उनके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगी, वो मूव करवाएगी आगे की तरफ। फॉर द एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ोगे तो ट्रैकिया आगे जाके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होती है, सिलिएटेड होती है। ठीक है, तो वहां पे सिलिएटेड क्या काम करती है, वही काम करेगी म्यूकस को आगे धकेलने का काम करती है। फेलोपियन ट्यूब है वहां पे भी सिलिएटेड होती है, वो क्या करती है, जो ओवा आया है यानी जो वहां से रिलीज होता है ओवरी से ओवम, उसको आगे धकेलने का काम जो है वो कर रही होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब वो प्रेजेंट होती है। तो इसकी प्रेजेंस आप ध्यान रखिए ब्रोंकियोल्स में एंड फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, अभी भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जगह कहां पे प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड। चलिए नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं कॉलुमनर क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर हो सकती है, सिक्रीशन का काम करें, यानी कि जो भी ग्लैंड्स है उनके अंदर क्या होंगी, क्यूबॉइडल या फिर कॉलुमनर होंगी। ठीक है, अब ये यूनिसेल्ड हो सकती है या फिर मल्टीसेल्ड हो सकती है। यूनिसेल्ड यानी एक सिंगल सेल ही क्या कर रही है, यहां पे ये देखिए सिंगल सेल ही है ये क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है। तो ये कौन सी होती है, ग्लैंडुलर, जो सिंगल सेल ग्लैंडुलर जो सेल्स है वो कौन सी है, वो गॉबलेट सेल्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल्स को गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, वो क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती है, यूनिसेल्ड, ग्लैंडुलर। ठीक है, मल्टी सेल का मतलब हो गया गुच्छे में कई सारी सेल्स, देखो इसके अंदर देखो ये डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है ये फॉर्म हो रही है, ये देखिए। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, तो मल्टी सेल्स यानी गुच्छे में प्रेजेंट होती है सेल्स, ग्लैंडुलर। चलिए
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग कि कोई भी ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ करती है, उसके हिसाब से ग्लैंड्स दो तरह की हो सकती है, या तो एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, जो डक्ट्स के थ्रू अपने, हम ये बोलते हैं कि अपना सिक्रीशन जो होता है उसको रिलीज करती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जो भी उसकी डेस्टिनी एरिया होता है वहां पे। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होती है, डक्ट्स होती है जो क्या करती है, हमारी बक्कल कैविटी में सलाइवा को सिक्रीट करती है। तो ये होगी कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट कर सकती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रीट कर सकती है, ठीक है। बट एंडोक्राइन जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है, बट ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशन का काम होता है इनका। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनमें डक्ट लेस होती है, डक्ट्स उनमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में डिफरेंस पता चला, इतना ही एनसीईआरटी में मेंशन है यहां पर। तो यहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बनेगा कि किस में डक्ट होती है, किस में डक्ट नहीं होती है, सिक्रीशन किसका क्या है भाई, यहां पे सिक्रीशन म्यूकस है, वो हमें बोल देते सलाइवा है, ठीक है, हम एंजाइम्स बोल देते हैं। एंडोक्राइन के अंदर हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन के अंदर हम बोल सकते हैं कि हॉर्मोन्स जो है उनको वो क्या करती है, सिक्रीट करती है, ठीक है। तो व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई के लिए गलत क्या है भाई, ऑल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल, राइट है ये, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पीसीटी, बिल्कुल, चाहे वो क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलुमनर है, यहां पे क्यूबॉइडल है, बट है तो ब्रश बॉर्डर। मेंट फॉर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, माइक्रोविलाई मूवमेंट नहीं करवाता, सिलिएटेड करवाता है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। दीज आर इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ये भी राइट है कि वो क्या होती है, ये आपकी सेल्स हैं, तो सेल्स के मेम्ब्रेन जो होते हैं उन्हीं के ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस को ये माइक्रोविलाई बोलते हैं, तो इन फोल्डिंग्स है, बिल्कुल राइट है, यानी कि सी हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, आंसर ये होगा सी, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती है भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम, ईयरवैक्सेस, म्यूकस, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स करती है, बाकी सभी सिक्रीशन किसके हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन होते हैं ये। चलिए नाउ कंपाउंड एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम का वही मल्टीलेयर्ड होती है स्किन जो है उसका पार्ट है, यानी कि अब ये कहां प्रेजेंट होगी, तो देखिए प्रेजेंस इसकी याद रखिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है, स्किन है, क्या है, कंपाउंड एपिथीलियम। इसके अलावा बक्कल कैविटी जो है उसमें भी क्या होती है आपकी, कंपाउंड यानी स्ट्रेटिफाइड रहेगी। फेरिंग्स के अंदर भी यही है, अभी इसको याद करने का तरीका एक मैं आपको बताती हूँ, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसकी डक्ट्स में भी, देखिए क्यूबॉइडल हमने जब पढ़ी थी तो आपको पता चला था डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल से बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल से, बट सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है उसकी इनर लाइनिंग किससे बनी है, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड से। अब इस चीज को याद कैसे रखोगे, देखो हमारी पूरी स्किन है वो कैसी है, स्ट्रेटिफाइड है, कंपाउंड है, ठीक है। फिर यही जो है इनर लाइनिंग जहां जहां जिस जिस एरिया में आगे की तरफ बढ़ेगी, जैसे बक्कल कैविटी में बढ़ी तो यहां पे भी क्या है, बक्कल कैविटी में भी स्ट्रेटिफाइड है यानी कंपाउंड ही है, वही आगे फेरिंग्स तक आई तभी वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, आगे जाने के बाद में जब वो इंटरनल हमारे अंदर की तरफ गई उसके बाद में उनमें चेंजेस आ सकते हैं, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड। अब सलाइवरी ग्लैंड है वो भी ओपन का हो रही है, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन हो रही है, तो वो जो डक्ट्स होंगे उनकी, तो उन डक्ट की इनर लाइनिंग भी किसकी बनी होगी, सोचिए ना, कोई चद्दर है आपने बिछाई है बेडशीट को पलंग पे, फिर उसको अंदर की तरफ डाल दिया, तो वो भी एरिया क्या है, बेडशीट का ही तो पार्ट है, यानी वो भी क्या होगा, जैसे बाहर की तरफ फैली है हमारी स्किन स्ट्रेटिफाइड, अंदर की भी तरफ गई तो वो भी क्या, स्ट्रेटिफाइड। यानी याद रखोगे तो क्या, स्किन, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है उनकी इनर लाइनिंग किसकी बनी है, कंपाउंड एपिथीलियम की। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर, इतना ही इसी तरीके से मेंशन है, ठीक है। चलिए ये डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है जो आपको ध्यान में रखना है। तो एपिथीलियल के बारे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल गई है। चलिए नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जैसे ही दिमाग में आए तो सबसे पहले तो इमेजिन करिए, बोन्स को कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ को कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड करेंगे कार्टिलेज को, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज है, टेंडन, लिगामेंट सभी कनेक्टिव टिश्यूज है। जो भी टिश्यूज किसी ऑर्गन्स को या किसी टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करने का काम करे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, तो वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यही एनसीईआरटी के अंदर आपके मेंशन है। कनेक्टिव टिश्यू देखिए कितने सारे टाइप है, यानी कि सबसे ज्यादा फैला हुआ टिश्यू कौन सा होगा, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए इस चीज को हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि देखो बोन्स है, ब्लड है, लिम्फ है, कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज है, एरियोलर टिश्यूज है, तो ये सभी टिश्यूज क्या है, कनेक्टिव। तो मोस्ट अबंडेंट
हुए कि नहीं हुए कनेक्टिव टिश्यूज, तो इस क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा स्ट्रेट आंसर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो है वो यही है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मार्क भी करना है और याद रखना है, ठीक है, इसपे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इन द बॉडी कॉम्प्लेक्स एनिमल है, बिल्कुल मल्टी सेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने इनके आपको वर्क बताई है क्या क्या ये फंक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन का काम कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं कि इनमें ये टिश्यूज कैसे दिखते हैं, इन टिश्यूज के बारे में बात करें, तो अगर मैं इसमें बताऊं तो इसके दो पोर्शन में आपको बता सकती हूँ कैसे, कि ये मैंने एक सेक्शन कट किया है किसी भी टिश्यू का, अगर मैं बताती हूँ तो इसके अंदर मैं ये बोल रही हूँ कि ये वो है मैट्रिक्स पोर्शन है जिसको ग्राउंड सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो, ये हम ये बोल सकते हैं कि जो कि सीक्रेटेड होता है बाय द सेल्स, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं ये वो इंटरसेलुलर स्पेस है और इसके बीच में ये सेलुलर पार्ट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ क्योंकि हमें ये कंडीशन दिखानी होगी कि ये है सेल्स, ठीक है, ये सेल्स, हम यही तो बोलते हैं ना कि सेल्स होती है ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम टिश्यू बोल रहे हैं, तो ये वो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है और ये इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो ये है मैट्रिक्स या फिर इसको ग्राउंड सब्सटेंस कुछ भी बोल सकते हो, और ये है वो सेल्स जो ग्रुप के अंदर जिनको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज। कुछ सेल्स जो होती है वो यहाँ पे क्या करती है, इस मैट्रिक्स पोर्शन में फाइबर्स जो होते हैं उनको भी सीक्रेट कर देती है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें मैट्रिक्स पोर्शन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, फाइबर्स जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगे, ये फाइबर्स, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीजें देखी इसके अंदर, इसके पोर्शन क्या क्या हुए, एक तो मैट्रिक्स पोर्शन यानी इंटर सेलुलर सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होती है, वो जो रीजन है जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, यानी दो सेल्स के बीच का एरिया, जो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो इंटर सेलुलर स्पेस है ये मिनिमम होता है एपिथेलियल के अंदर, कनेक्टिव के अंदर ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है, ब्लड में तो सबसे ज्यादा हम बोल रहे हैं कि इसी का एक टाइप है क्योंकि ब्लड, ठीक है, तो मैट्रिक्स और ये सेल्स और सेल्स द्वारा सिक्रेटेड फाइबर्स यानी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, बट विद द एक्सेप्शन क्योंकि ब्लड जो होता है उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, ब्लड के अंदर केवल मैट्रिक्स पोर्शन है और उसके अंदर सेल्स होती है, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ब्लड को आप छोड़ दीजिए, ये देखिए ब्लड एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, आंसर क्या होगा आपका, ब्लड, ठीक है। काम क्या है इसका, देखो जितने भी हमने टिश्यूज के टाइप इसके बोले कनेक्टिव टिश्यू के, उन सबके जो काम है वही काम इनके है, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, इनका काम हो गया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है कौन, आपकी बोन्स, तो वो स्ट्रेंथ का काम हो गया, कार्टिलेज इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल। इसके अलावा अगर एडिपोज टिश्यू है जो फैट स्टोर कर रहे हैं, तो टाइम आने पर हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी कर रहे हैं, तो देन ये वो काम भी करेंगे, और ब्लड है चूंकि ब्लड तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो जितनी भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड के, चाहे वो वेस्ट मटेरियल ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है इसमें क्या होती है, इसके अंदर हम ये बोलते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें सीधा सिंपल वर्ड यही लिखा है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स पोर्शन में, तो उस चीज को आप ध्यान रखिए, और जहां जहां पे और चीजें आती रहे कि मैट्रिक्स रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है उसको वहीं पर याद कर लीजिए, अभी याद रखिए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू अमंग द फॉलोइंग, कौन है भाई सेकेंड मोस्ट, तो सेकेंड मोस्ट होता है मस्कुलर टिश्यूज, सबसे पहले कौन से है कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको देखिए दो क्वेश्चन के आंसर यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फाइबर्स फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, देखिए फाइबर्स प्रेजेंट है ये हम बोल रहे हैं, लेकिन ये फाइबर्स किसके बने होते हैं, तो फाइबर्स प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं फाइबर, जैसे कि कोलेजन जो है फाइबर्स हो सकते हैं, इलास्टिन फाइबर्स जो है इलास्टिक फाइबर्स यानी इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं, और रेटिकुलेटेड फाइबर्स जो है वो फाइबर्स हो सकते हैं, तीनों ही तरह के फाइबर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं मैट्रिक्स में, यानी कि ऑल होगा। अब ये कोलेजन एंड इलास्टिन क्या है, आपको पता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वैसे बायोमोलिक्यूल के अंदर आप पढ़ेंगे तो सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन अगर आपसे पूछी जाए देन आंसर कोलेजन एंड इलास्टिन, एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैट्रिक्स पोर्शन में कौन सी जो फाइबर प्रेजेंट है वो किसके बने होते हैं, कोलेजन इलास्टिन एंड रेटिकुलेटेड फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये येलो व्हाइट और इनके और डिटेल ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ना ही इतना डिटेल में एनसीईआरटी में दिया है, तो मत घुसो, बहुत सिलेबस है और भी चीजें हैं जानने के लिए, क्यों हम इतना पढ़ने को चाह रहे हैं। चलिए, द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन द
नो फाइबर, बिल्कुल मैट्रिक्स भी होता है, सेल भी होता है. मैट्रिक्स होता है ना, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और उसके अंदर सेल्स जो है वो होती है ना, आरबीसी है वो उनमें प्रेजेंट है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों है बट फाइबर्स अब्सेंट होते हैं. देन आंसर ए होगा हमारा. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. ठीक है, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू से. कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के हो सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अब ये देखिए, लूज किसको बोला है, लूज उसको बोला है जिसके अंदर मैट्रिक्स जो होता है वो ज्यादा होगा, तो वो लूज होंगी सेल्स एक दूर, एक हम ये बोलते हैं कि जो उसमें फाइबर्स है वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर प्रेजेंट होंगे. तो मैट्रिक्स ज्यादा होगा और फाइबर्स क्या होंगे, लेस होंगे, तो उनको हम ढीले बोलेंगे. डेंस किसको बोलेंगे, जिसमें फाइबर्स ज्यादा होंगे और उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स थोड़ा कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वो बोलेगा कि अब इनमें तो देखो फाइबर्स हो भी सकते हैं और फाइबर नहीं भी होंगे, तो ये स्पेशल तरह का टाइप हो गया. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास में दो तरह के हम पढ़ेंगे, एरियोलर एंड एडिपोज. डेंस में हमारे पास में आ जाते हैं डेंस रेगुलर एंड इररेगुलर. रेगुलर का तो मतलब ये हो गया अगर फाइबर्स जो है इस तरह से पैरेलल फैशन में अरेंज हो, और इररेगुलर का मतलब हो गया फाइबर कैसे भी कहीं भी अरेंज है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको हमने इररेगुलर बोला है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि डेंस रेगुलर जो है उसके एग्जाम्पल है टेंडन एंड लीगामेंट, एंड यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं इररेगुलर जो होते हैं वो स्किन के नीचे में देखने को मिलते हैं. स्पेशलाइज फिर दो तरह के हैं, स्केलेटन एंड फ्लूइड. स्केलेटन का मतलब क्या हो गया, यानी कि स्केलेटन में आते हैं आपके कार्टिलेज एंड बोन जो हमारी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और फ्लूइड के अंदर हमारे क्या आ जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ, ये जो है हमारे फ्लूइड में आएगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर स्केलेटन के अंदर जो है हम बोल रहे हैं फाइबर्स है जबकि फ्लूइड के अंदर फाइबर्स जो है वो नहीं होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एरियोलर टिश्यू डायग्राम, एनसीईआरटी में जो मेंशन है यही ध्यान रखना है. पूछ लेते हैं कभी कभी लेबलिंग करके, ए बी सी डी लेबलिंग करके आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी ए लेबलिंग किसकी है, बी किसकी है. तो आप ध्यान रखिए, ये मास सेल्स है, बिल्कुल मास सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स रिलीज करती है. मास सेल्स जो होती है वो हीपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन जो है इनको सिक्रेट करती है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि इसको सीक्रेट कर रही है यहां इस जगह. ठीक है, तो मास्ट सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, तो ये जो सिंगल दिखाई दे रहे हैं ये आपके इलास्टिन फाइबर्स हैं, जो बंडल में होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स हैं. ठीक है, तो ये कोलेजन फाइबर है आपके. मैक्रोफेसियल्स होती है, एनगल्फ कर लेती है, डेड अगर कोई हब सेल्स है तो उनको क्या करती है, खा जाने का काम करती है. तो आप याद रखिए मैक्रोफेज नाम से, पर ये क्या है, मैक्रोफेसियल है. तो ये यहां पे सेल्स जो है इनमें प्रेजेंट होती है. अब एरियोलर टिश्यू जो है स्किन के नीचे में दिखेंगे, और ये क्या करते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज के लिए अब सपोर्ट का काम कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वो उसके जस्ट नीचे है एरियोलर टिश्यू. अब ये देखो इसमें क्या क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, जो सिक्रेट कर रही है फाइबर्स को, मैक्रोफेज सेल्स एंड मास्ट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है. एनसीईआरटी ने इतना दिया है, दो चीजें मैंने एडिशनल आपको याद रखने के लिए इन शब्दों को बता दिए, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है कि क्वेश्चन यही से बहुत अच्छे बन जाते हैं. देखिए, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन एरियोलर आर कौन कौन सी है भाई, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, तीनों ही है इसके अंदर. एरियोलर टिश्यू कनेक्ट क्या करता है, एरियोलर टिश्यू ये दो बोन को, मसल्स एंड बोन को, मसल्स एंड फैट टिश्यू को, मसल्स एंड देयर कंपाउंड्स. देखिए, चूंकि ये क्या है, स्किन के नीचे है, और स्किन के नीचे जो मसल्स होती है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है. ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो एरियोलर टिश्यू से फिल्ड रहता है. तो एरियोलर टिश्यू हम ये बोलते हैं जितने भी ऑर्गन या फिर हम ये बोलते हैं स्किन मसल्स जो है फैली हुई है, तो उन सबको बाइंड करने का काम कर रहा है. तो मसल्स को जो है बाइंड करने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन फोर जो है वो राइट होगा. ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है. एडिपोज टिश्यूज ये भी स्किन के नीचे ही हमें देखने को मिलेंगे. हम जो मोटे हो रहे हैं वो किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज हैं. इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो आपके हम बोलते हैं बोन्स जो होती है, बोन के अंदर भी जो हम बोलते हैं बोन मैरो जो होता है, ये कैविटी जो होती है उसके अंदर भी जो है आपके एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बट ये इतना डिटेल में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपकी जो मेंशन है उन चीजों को आप ध्यान रखिए. ये स्पेशलिस्ट फैट को जो है उसको स्टोर करती है, एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करती है, जरूरत होने पर अगर आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करनी हो तो एडिपोज टिश्यू उसमें हेल्प करती है. ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू का डायग्राम देखो, यही वही फैट स्टोर करके न्यूक्लियस सेंटर में आ गया, क्योंकि फैट स्टोर कर लिया ना पूरा का पूरा इस एरिया ने, ये इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो ये डायग्राम याद रखिए, एनसीईआरटी में कभी पूछ लेते हैं, ये स्ट्रक्चर दे दिया और पूछ ले कि ये किसका है, तो देन आपको आंसर पता होना चाहिए, ये है एडिपोज टिश्यू का. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेनिंग द बॉडी हॉट, ठीक है भाई, कौन सा है भाई, स्वेट ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड हेयर. तो मोर एप्रोप्रिएट क्या होगा, एडिपोज टिश्यू. ठीक है, चलिए फिर हम बात कर रहे हैं डेंस
टिश्यूज की डेंस में हमारे पास में दो टाइप आते हैं, रेगुलर इरेगुलर। ये देखिए रेगुलर है जिसमें फाइबर्स एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है, और यहाँ पे फाइबर्स जो है वो इरेगुलर अरेंज है, ठीक है। तो ये सारे कोलेजन फाइबर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। अब रेगुलर जो है उसके दो टाइप है, टेंडन एंड लिगामेंट। अब टेंडन एंड लिगामेंट को याद रखिए, ये कनेक्शन का काम करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं, मसल को बोन से या बोन को बोन के साथ में। बस आपको याद रखना है कि कैसे जोड़ेंगे। तो टेंडन जो होता है वो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स जो होती है उनको बोन से जोड़ता है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्या करती है, हमारे जो हमारी जितनी भी बोन्स है उनमें मूवमेंट करवाती है। हम जो चल पा रहे हैं, मेरे ये हाथों का मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि वो जोड़ के रख रही है बोन को, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा ये पार्ट जो है बॉडी पार्ट वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये टेंडन जो होता है वो क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ में जोड़ता है, ठीक है, ताकि मसल में स्ट्रेच हो तो बोन में भी स्ट्रेच हो, तो मूवमेंट हो आगे या पीछे जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर लिगामेंट जो है वो क्या करता है, दो बोन को आपस में जोड़ता है, यानी कि अगर मैं ये बोन बनाती हूं और मैंने बोला ये मसल है यहां पे, तो मसल को बोन के साथ में जोड़ा किसने, टेंडन ने, याद रखिए। और ये दो बोन्स है तो इनको आपस में जोड़ने का काम जो कर रहा है बोन को बोन से, वो कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, ठीक है। तो इतना चीज आप याद रखिए। तो लिगामेंट अगर घुटने का टूट गया, मान लीजिए लिगामेंट टूट जाता है, अगर हम ये बोलते हैं लिगामेंट टूट गया दो बोन के बीच में, तो क्या मूवमेंट होगा, मूवमेंट तो नहीं होगा, लटक जाएंगे ना हमारा पांव, कैसे मूवमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन के अंदर अगर ये हमारा टेंडन जो है, टेंडन अगर टूट जाता है, मसल का कनेक्टिविटी जो है बोन के साथ में टूट जाती है, तो क्या होगा, तो मूवमेंट हो पाएगा, मूवमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। ये याद रखिए ना, क्योंकि ये एक्चुअल में मसल्स जब तक क्या होंगी आपस में, मसल्स जो है बोन के साथ में अटैच नहीं होंगी, तो मूवमेंट कैसे होगा। और बोन आपस में, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, अगर एक दूसरे सेपरेट हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन जो बोन जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, बट ये बोन जो है ये तो मूव करेगी करेगी ना, ये बोन तो हमारी मूव कर सकती है, क्योंकि ये मसल्स के साथ में अटैच है, ठीक है। इन दोनों को, बोन को जोड़ने वाला टूट गया, तो ये हिस्सा जो है वो हमारा लटक जाएगा, इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये इसको जोड़ के रख रहा है। चलिए याद रखिए, मसल्स को बोन से और बोन को बोन से कौन से रेगुलर जो है टिश्यूज वो जोड़ के रखते हैं। फिर हमारे इरेगुलर आ गए, ये जो है इनके अंदर ज्यादातर फाइबर्स होते हैं और ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। चलिए नाउ द नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कार्टिलेज। कार्टिलेज टिश्यूज जो है वो क्या है, स्पेशलस टाइप के हैं, और स्पेशल टाइप के अंदर भी कौन से हैं, ये स्केलेटल है। स्केलेटल में कार्टिलेज जो होते हैं एक्चुअल में ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, वही है बोन एंड कार्टिलेज में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। कार्टिलेज ही आगे अगर हम ये को बोलते हैं, ज्यादा कैल्शियम और को डिपोजिशन हो जाए तो वो बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कार्टिलेज एक्चुअल में क्या होता है कि कार्टिलेज थोड़ी सी हम ये बोलते हैं कि सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू बोन। तो हमने वही बोला है, पैलिएबल है, ये रेसिस्ट करती है कंप्रेशन को, है ना, दबा सकते हैं ये हमारा कार्टिलेज ही, तो देखो कितना आसानी से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं इस एरिया को। वो कौन सी सेल्स है इसके अंदर जो क्या करती है, रिलीज करती है, किसको, मैट्रिक्स पोर्शन जो है उसको सिक्रेट करने का काम करती है। तो वो सेल्स होती है कोंड्रोसाइट सेल्स। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कोंड्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और वो कोंड्रोब्लास्ट डिवाइड करके पहले कोंड्रोसाइट में कन्वर्ट हो गए, देन कोंड्रोसाइट सेल्स जो होती है वो रिलीज करती है किसको, आपके मैट्रिक्स पोर्शन को कार्टिलेज के अंदर। तो इतना डिटेल में जाइए, सीधा सिंपल याद रखिए, कोंड्रोसाइट सेल्स होती है जो रिलीज करती है, सिक्रेट करती है, सॉरी, किसको, आपके मैट्रिक्स पोर्शन को कार्टिलेज के अंदर। तो ये देखिए ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कोलेजन फाइबर्स और ये है कोंड्रोसाइट सेल्स। ये कोंड्रोसाइट सेल्स जो है वो रिलीज कर रही है किसको, मैट्रिक्स को। स्पेस भी देखिए बहुत ज्यादा है। कार्टिलेज जो होता है वो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में बाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कार्टिलेज जो है वो बोन कार्टिलेज की जो है वो बोन्स होती है, और बाद में कुछ बोन्स होती है जो बोन जो है वो कार्टिलेज से बनी होती है, पहले वो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर कार्टिलेज की बनी होती है एंड देन वो कन्वर्ट हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट, ठीक है। एम्ब्रियोज में जो है कार्टिलेज के फॉर्म में होती है। देन कार्टिलेज जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो टिप ऑफ द नोज, हमारी ईयर जो है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम आप बनाते, अगर आपने स्ट्रक्चर इस तरह से अगर वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, कार्टिलेज का होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि लिम्स में, हैंड में, इनमें भी क्या है, एडल्ट्स के अंदर जो है कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो ध्यान रखिए, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतने ही कॉन्सेंट्रेट करिए, इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। बोन्स जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, नॉन पैलिएबल होती है, ठीक है, इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, इसको तोड़ फोड़ नहीं सकते। अब ये जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कैल्शियम सॉल्ट मिलता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डिपोजिशन हमें ज्यादा मिलता है बोन्स के अंदर, ठीक है। हार्डेस्ट हम ये बोल सकते हैं, और ये हमारे टिश्यूज में अगर हार्डेस्ट टिश्यूज की बात करें तो वो कौन है, हमारी बोन ही होती है।
कॉलेजन फाइबर्स विच गिव द बोन इन स्ट्रेंथ, कॉलेजन फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ हमें मिलती है। अब इसकी देखो ये बॉडी, ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप इसके अंदर देखोगे स्ट्रक्चर के अंदर, तो याद रखो कि इसके अंदर कुछ सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स, जो इसका मैट्रिक्स रिलीज करती है, ठीक है। अब ये ऑस्टियोसाइट जिस स्पेस में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लैक्यूनी, ये बना देती हूँ मैं लैक्यूनी, और इनसे निकल रही है कैनेली क्यूनी। ये लैक्यूनी इस तरह से क्या होती है, यू कॉन्सेंट्री कंडीशन में ये अरेंज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो सेल्स होती है उनको ऑस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट जो सेल्स है वो है ऑस्टियोसाइट सेल्स, जो इस मैट्रिक्स को रिलीज कर रही है, और ये है लैक्यूने, ठीक है। और लैक्यूने से इस तरह से छोटे छोटे एक्सटेंशन जो है ना वो निकले रहते हैं जिनको हम बोलते हैं कैनेली क्यूली, ठीक है। बट इतना डिटेल एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो आपको ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है जो क्या प्रेजेंट होती है जिस स्पेस में, उसको हम बोलते हैं लैक्यूनी, ठीक है। इतना ही दिया गया है, बाकी हर्विएशन कैनाल के बारे में, वॉक्समैन कैनाल के बारे में, ये सब चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो क्यों इतना डिटेल में हमें पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। उसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, तो आपको पता है बोन्स कई तरह की हो सकती है, लॉन्ग बोन्स हो सकती है, सॉफ्ट बोन्स हो सकती है, फ्लैट बोन जैसे कि स्टर्नम वगैरह जो है वो फ्लैट बोन्स हो सकती है, हमारी फेशियल बोन, तो बोन हमारी अलग अलग, हम बोलते हैं ना अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से ओरिजिनेट, अलग अलग क्या कहते हैं टाइप की हो सकती है, पर वो डिटेल यहाँ पे हमें पढ़नी नहीं है, अभी हमें इतना ही याद रखना है कि बोन्स है क्या, ठीक है। बोन्स जो है हमारी बॉडी का बहुत मैक्सिमम वेट जो है वो भी ले रही है, ठीक है। बोन हमारे अंदर लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है। बोन में कुछ एरियाज होते हैं, कैविटी होती है, जैसे मैं अगर लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो लॉन्ग बोन के अंदर अगर मैं यूं बनाती हूं, तो हमें बोलते हैं कि यहाँ पे रेड बोन मेरो जो है वो प्रेजेंट होता है, स्पंजी बोन जो हम बोलते हैं ना, ये रेड बोन मेरो जो है वो प्रेजेंट रहता है, और जो जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है ब्लड फॉर्म करने का ना, तो ये जो है ब्लड फॉर्म भी करती है, यहां से इरिथ्रोसाइट जो होते हैं उनको फॉर्म करने का काम होता है, ठीक है। तो बोन मेरो जो है वो येलो बोन मेरो या फिर रेड बोन मेरो हो सकता है, रेड बोन मेरो इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस करेगा, येलो बोन मेरो हम बोलते हैं क्यों, क्योंकि इस रीजन के अंदर क्या होते हैं एडिपोज टिश्यूज होते हैं, तो ये लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। वैसे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, एनसीईआरटी हमें सिर्फ जो बोल रहा है वो याद रखिए, बोन मेरो एक कैविटी होती है जो बोन के बीच में प्रेजेंट होती है, येलो वाली एडिपोज टिश्यूज से फिल्ड होती है, रेड बोन मेरो रेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअल में इरिथ्रोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करती है, जितना दिया है सीधा स्ट्रेट याद रखिए और उसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास में इतना ही है, ठीक है। तो चलिए आगे, ये देखिए एनसीईआरटी ने भी लिखा है बोन मेरो इन द सम बोन्स विद द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड बोन मेरो ब्लड इज फिल्ड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन प्लाज्मा, अभी नेक्स्ट जो आ गया है वो आ गया है ब्लड, ब्लड एक्चुअल में क्या है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड जो होता है उसके अंदर हमारे पास में प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अलावा कई तरह की सेल्स हो सकती है जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये मेन सर्कुलेटरी टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम डेवलप करने का काम भी कर रही है, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो यहाँ पे होता है, और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। आरबीसी अगर देखोगे तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके जितने भी टाइप पड़ेंगे तो वो न्यूक्लियस के बेसिस पे होंगे, क्योंकि वो हम ये बोलते हैं कि उसमें दो लोब्स हो सकती हैं, दो लोब से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि क्वाड्री लोब्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा चैप्टर हमें इतनी ही जानकारी यहाँ दे रहा है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड कौन से होते हैं भाई, स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज बोन एंड ब्लड, तीनों ही क्या है स्पेशलाइज्ड ही है। चलिए नेक्स्ट, बोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, ठीक है। Which is the second most abundant tissue among the following? तो most abundant second कौन है? Muscular tissue है second, और first कौन सा है? Connective. Identify the above the diagram. Identify करना है भाई ये किसका diagram है? ये bone का diagram है ना? तो ये answer क्या करेंगे? Bone. Cartilage का नहीं, cartilage का थोड़ा सा different था. चलिए. Select the option the correct labeling. Labeling करिए भैया, ये क्या है? Mast cells है. ये क्या है? Macrophage cells है. ये क्या है? आपकी osteocyte cells है क्या? ये osteocyte है. कौन सी साइड सेल है? नहीं, ये फाइबर से अटैच है ना, तो ये कौन सी सेल्स है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो फाइबर रिलीज कर रही है, और ये कौन से फाइबर है? बंडल में है तो कोलेजन फाइबर है ना, ये कोलेजन फाइबर है। तो चलिए लेबलिंग देख लीजिए, पी जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है, नहीं पी मैक्रोफेज है, गलत। आर जो है वो कोलेजन फाइबर है, आर कोलेजन फाइबर है, राइट। एस जो है मैक्रोफेज है, रॉन्ग, ये यहाँ पे गलत हो गया। देन क्यू जो है वो है फाइब्रोब्लास्ट, राइट। एस जो है वो मास सेल है, राइट। तो हमारे पास में तो राइट ऑप्शन आ गया है। पी जो है मैक्रोफेज है, राइट।
एस जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है, गलत ये है मास सेल। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया था जब हमने एरियोलर टिश्यू किया था, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इतना ही है कनेक्टिव टिश्यू के लिए। ओके, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू। देखिए मसल जो होती है वो एक्चुअल में फॉर्म होती है, ये पूरे टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी कई मसल फाइबर से मिलके बनती है। ठीक है, तो मसल फाइबर जब एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं तब फॉर्मेशन होता है किसका, मसल का। ठीक है, तो जब मसल की बात होती है तब समझ जाइए कि हम कई सारे मसल फाइबर की आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर जो है वो बंडल बनाते हैं। अब वो आया कि हाँ ठीक है, ये जितने भी हम ये बोलते हैं कि अब जब इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, आप जब हम लोग वहां पे मसल के पढ़ेंगे लोकोमोशन के अंदर जब ये चीजें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मायोफाइब्रिल जो होता है, जब स्केलेटल मसल को हम वहां पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं करेंगे जो, आपको तब समझ में आएगा कि मायोफाइब्रिल जो होता है वो सबसे छोटा हम ये बोल देते हैं कि यूनिट होती है जो स्ट्रक्चर हम ये बोलते हैं हम बोल सकते हैं स्ट्रेच जो करती है या फिर रिलैक्सेशन जिसकी वजह से होता है, जो मूवमेंट हो रहा है तो उसकी यूनिट जो होती है वो मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल जब कई सारे इकट्ठे होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपकी मसल फाइबर में प्रेजेंट होते हैं। ये कई सारी मसल फाइबर आपस में इकट्ठी होती है, बंडल बनाती है, फेसिकुलीज बनाती है, फिर देन ये फेसिकुलीज को हम वापस से हम क्या करते हैं, एक गुच्छे के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि पूरी एक मसल बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये जो है कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि मसल जो है वो किसको बोल रहे हो, मसल जो होती है वो हम पैरेलली अरेंज हम ये बोलते हैं कि मसल फाइबर को बोलते हैं। कई सारे, ये मैंने पेन लिया है, ऐसे मैं कई सारे पेन ले लूं और मैं बोलूं कि उसको मैंने एक लेयर से कवर कर दिया, तो अभी उस गुच्छे को मैंने क्या बोला है, मसल बोला है। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये खुद जो है कई सारे मायोफाइब्रिल से बने होते हैं। अब इसको और अगर आप इमेजिन करना चाहो तो मैं कई सारी अगर पेन की रिफिल्स ले लूं, 3-4 एक रिफिल ले लूं, मैं रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की मैंने वो ले ली है। ठीक है, और वो एक ही पेन के अंदर मैंने डाल दिया, तो वो हर एक रिफिल जो होती है उसको आप इमेजिन करिए कि वो क्या है, वो मायोफाइब्रिल है जो प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके मसल फाइबर के अंदर। अभी मसल फाइबर का बंडल प्रेजेंट हो गया तो उसको हमने गुच्छे में बना दिया, पैरेलल अरेंज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मसल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिए। फिर ये जो मसल्स होती हैं, ये हम बोले कि जो ये फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो होती है हम ये बोलते हैं स्ट्रेच करते हैं, और ये जिनकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और जब ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स होंगी तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मसल की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, चाहे वो मूवमेंट हमारे अंदर हो रहा हो, चाहे वो मूवमेंट मतलब मैंने एक लार्ज स्केल पे बोल दिया, अगर आप देखें छोटा सा छोटा अगर मूवमेंट, पेरिस्टाइलिस मूवमेंट भी जो है वो भी मसल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, मसल्स जो है वो किसी भी, अब ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो भी कोई एक्शन होता है कोई भी एनवायरमेंटल चेंज के लिए, तो मसल्स फटाफट मूवमेंट करती है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए कि मुझे पिन चुभा, पिन चुभते ही मैं क्या करती हूँ, फटाफट से ये जो है मूवमेंट होता है मेरे हैंड का, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट न्यूरॉन्स क्या करती है, यही रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ये मूवमेंट करवाती है। यानी कि न्यूरॉन्स जो है वो क्या रहती है, अटैच रहती है, नर्व टिश्यूज यानी कि अटैच रहते हैं किससे, मसल से, जिनकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो देखिए सब टिश्यू एक दूसरे से कनेक्टेड है, नर्व्स जो है वो मसल से कनेक्टेड है, मसल्स जो है वो हमारी बोन से कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। फिर मसल्स जो है वो बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर हर तरह का मूवमेंट हो रहा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो उसमें मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से। हमारा अगर स्टमक जो है वो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट कर रहा है तो उसके में रोल किसका है, आपके मसल्स का रोल होता है। और लार्ज स्केल पे हमारा लोकोमोशन मूवमेंट जो हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मसल्स जो होती है वो 3 तरह की हो सकती है, स्केलेटल, और इसके अलावा होती है स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, तो मसल्स सारी की सारी हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती है उनका कंट्रोल मेरे अंदर है, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या है, वॉलेंट्री है ना, मेरे काम से कर, मेरे अकॉर्डिंग काम करिए। अब देखिए कि कुछ होती है इनवॉलेंट्री होती है, जैसे फूड गया और फूड जाने के बाद में मेरा ईसोफेगस ने मूवमेंट किया, स्टमक ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो वहां पे कौन सी मसल्स होंगी, वहां पे स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है जिनका कंट्रोल मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, और कुछ होती है कार्डियक मसल, जैसे कि हार्ट मसल जो कंटिन्यू क्या करती रहती है, विदाउट एनी स्टॉप वो बीट करती रहती है, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल चीजें दी है एनसीईआरटी में, और सीधे सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से अगर पूछेंगे तो। देखिए ये है स्केलेटल मसल्स, और देखिए ये भी स्केलेटल मसल्स के अंदर
कई सारे हमें बोलिए ये जो अभी दिखाई दे रहे हैं स्ट्रिप्स नजर आ रही है, तो ये डार्क और लाइट कलर के बैंड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मायोफाइब्रिल के अंदर। और यही मायोफाइब्रिल मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे मसल फाइबर बना रहे हैं। तो हमें हमारी मसल्स भी जो है वो कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेटेड नजर आती है। तो हम ये बोलते हैं कि ये मसल्स कैसी होती है, स्ट्रेटेड होती है। और ये जितने भी हमारे मसल फाइबर है ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज रहते हैं और एक शीट से कर्वर्ड रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है हमारी मसल्स जो है वो फोम होती है, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स है, ये वॉलंटरी एक्शन करवाती है, हमारी बॉडी का मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, बोन से अटैच होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे। स्मूथ मसल्स किसको बोल रहे हैं भाई, स्मूथ मसल अगर डायग्राम में देखोगे तो इनके टेपर एंड्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, इनमें कोई स्ट्रिएशन या स्ट्रिप्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इनको इसलिए क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल वहां होती है जो हमारे कंट्रोल में जो पार्ट नहीं है, यानी ऑर्गन से अटैच है, स्टमक से, ईसोफेगस से, हमारे एनस पोर्शन के अंदर। तो ये सब क्या है, स्मूथ मसल्स होती है। कुछ जगह पे जहां पे वॉलंटरी एक्शन होता है वहां पे हम ये बोल देते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स होती है। जैसे कि हमने फूड को लिया तो ईसोफेगस जो है उसमें दोनों तरह की मसल्स देखने को मिलेगी, स्ट्रेटेड भी मिलेगी और हमें स्मूथ मसल्स भी मिलेगी, क्योंकि अपर पोर्शन में जब हम फूड लेते हैं तब हम वहाँ पे मूवमेंट खुद करवाते हैं, लेकिन उसके आगे ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है वो अपने आप होता है, तो वो कौन सी है, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो स्मूथ मसल्स होती है ये ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनसे अटैच होती है। अब किस किस से है, तो एग्जाम्पल मैंने ऑलमोस्ट बताई दिए हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल और है जैसे कि ब्लड वेसल्स वगैरह जो है उनमें भी कौन सी है, स्मूथ आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मसल्स है ये इनवॉलेंट्री है, डायरेक्टली हमारा ब्रेन जो है इनको कंट्रोल कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो है एक्चुअल में हमें बोलते हैं ये मसल्स जो है ये कंटिन्यू बीट करती रहती है, नॉन स्टॉप बीट करती रहती है। अब ये जो नॉन स्टॉप बीट होती है ये किसकी वजह से होता है कि नॉन स्टॉप बीट करना, कि एक तो क्या होता है कि इनके अंदर जो इनकी जो सेल्स होती है उनके बीच में क्या होता है, एक डिस्क प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटरल डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक तो इमीडिएट इंपल्स जो होती है ना वो क्रिएट होती रहती है, एक साथ में जो है ना वो मूवमेंट होता रहता है इनका फटाफट कंटिन्यूटी के साथ में, तो कंटिन्यू मूवमेंट के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, एक साथ मूवमेंट करने के लिए, ठीक है ना। देखो होता क्या है ना कि एट्रियम एक साथ में मूवमेंट करता है ना, एट्रियम जब एक साथ में मूवमेंट करेगा यानी कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो वो एक साथ पूरा का पूरा एट्रियम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक एट्रियम ने एक बार में किया और दूसरे एट्रियम दूसरे बार में करेगा, यानी राइट ने तो एक बार में कर लिया लेफ्ट ने किया ही नहीं, ऐसा नहीं। तो पूरा एट्रियम राइट एंड लेफ्ट जो है वो एक साथ ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। वैसे ही सेम वेंट्रिकल भी क्या होता है, एक साथ में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो वो अभी क्या हो गया, तो जो एट्रियम और वेंट्रिकल ये एक साथ मूवमेंट कर पा रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सेल्स जो है वो इंटरकैलेटरल डिस्क से कनेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से इमीडिएट जो है ना वो हम ये बोलते हैं कि जो इंपल्स होती है वो एक साथ में जो है एक साथ में साइमल्टेनियसली क्या होती है वो फैलती है, जिससे एक साथ मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो इस चीज को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। तो ये है आपकी कार्डियक मसल्स, कंटिन्यू बीट करती है नॉन स्टॉप। चलिए नाउ नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज वो है जो एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं, हमें बोलते हैं इंपल्स क्रिएट करते हैं और उसको कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बोलते हैं हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले टिश्यूज हैं, ठीक है। अब इसकी एक सिंगल यूनिट की बात करें कि स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो होती है न्यूरोन, ठीक है। न्यूरोन का डायग्राम सबको पता है, न्यूरोन जब भी बनाते हैं आपको पता है कि न्यूरोन जो होते हैं, वैसे तो होते कई तरह के हैं, यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ वो मैं मोनो इसमें बना रही हूँ एक्सोन। तो आप ये देखोगे ये सिंगल एक सिंगल सेल ही है, ठीक है, इसीलिए हम ये यूनि न्यूक्लियट हम इसको कंडीशन बनाते हैं। ये देखिए सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोन पार्ट में प्रेजेंट होता है, इससे कई सारी देखिए ये ब्रांचेस निकली हुई है जिनको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक्सॉन हेलॉक से यहाँ पे एक्सॉन निकलता है जो आगे सिनेप्टिक नोब के अंदर ये देखिए कंप्लीट हो रहा है। सिनेप्टिक नोब वो एरिया है जहां पर क्या होती है मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, मसल्स के साथ में यहाँ पे सिनेप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंपल्स को एक्सॉन की तरफ लाने का काम डेंड्राइट से होता है और उसको आगे भेजने का काम जो है वो किधर से होता है, एक्सॉन पार्ट के ये जो सिनेप्टिक नोब है उस हिस्से से इंपल्स जो है वो आगे की तरफ जाती है, यानी इंपल्स की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होती है, ठीक है, ये याद रखिए। अब कुछ क्वेश्चन ध्यान रखिए, जैसे एक न्यूरोग्लिया के बारे में दिया गया है, न्यूरोग्लिया कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती है जो न्यूरॉन्स के साथ साथ में प्रेजेंट होती है, यानी न्यूरोग्लिया प्लस न्यूरॉन्स जो है इन सबको मिलाकर ही हम न्यूरल टिश्यू बोल रहे हैं, ये सपोर्टिंग सेल भी है। इसके अलावा ज्यादातर मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो हम ये बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स जो है
उनसे होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एनसीईआरटी का यहाँ पर, जिसको आप मिस कर देते हैं। कुछ चीजें जो ध्यान रखिए जो न्यूरॉन्स के बारे में पूछी जाती है उसके बारे में, कि देखिए एक तो न्यूरॉन के बारे में पूछा जाता है क्या ये सेल डिवाइड करती है, तो देखो ये सेल डिवाइड नहीं करती। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों नहीं डिवाइड करती है, तो रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके पास में इनका सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल कौन सी है, तो वो सेल कौन सी होती है, वर्टिब्रेट्स में न्यूरॉन्स होती है। अगर पूरे एनिमल किंगडम में अगर आपसे पूछे कि कौन सी मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल है, देन आंसर क्या होगा आपका, स्टिंग सेल्स, जो हमने नीडोब्लास्ट सेल्स पढ़ी थी सिलेंट्रेट्स के अंदर, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है अगर पूरे एनिमल किंगडम में पूछे तो। और केवल वर्टिब्रेट में पूछे देन आंसर क्या होगा आपका, न्यूरॉन्स होगा। चलिए इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये सेल्स कल्चर होती है, तो बिल्कुल नहीं, ना तो ये सेल कल्चर हो सकती है ना ये बढ़ती है, ठीक है, ना तो ग्रोथ शो करती है ना ही इनको कल्चर किया जा सकता है। तो ये जो सेल्स है ये है न्यूरॉन्स, एक्साइटेबल बोलते हैं, एक्साइटेबल जो होती है, एक्साइटेड सेल्स होती है ये, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में इतना ही एनसीईआरटी में आपको मेंशन है। अगर इतना सा ही आपने याद कर लिया तो आप क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लेंगे नीट के, तो नीट 2020 के लिए इतना ही इनफ है। आप चाहते हैं कि और आप स्टोरी याद करिए तो उसका कोई भी रोल नहीं होगा, वो आपका वेस्ट जाएगा। बेटर होगा कि वो जितना टाइम आपका बचता है उसको आप दूसरे सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में यूज कीजिए। तो ये है आज के आपके फॉलोअप क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो अच्छे से फॉलो किया है तो इन सब के आंसर आप इजी वे में कर देंगे, और यही फॉलो अप क्वेश्चन जो है वो आपको काम में आने वाले हैं, क्योंकि नीट में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ के आप इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बेटर है कि कॉम्प्लेक्स में ये याद रखिए कि सबसे कॉम्प्लेक्स सेल जो है वो आपकी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।